हम पे हुजूर यूं नजर आपकी रहे, हम पे हुजूर यूं नजर आपकी रहे, जैसे बनी हुई है हमारी बनी रहे, जैसे बनी हुई है हमारी बनी रहे, हम पर उतरे हुजूर नात मेरे दिल पे आपकी, उतरे हुजूर नात जैसे अमजद भाई के दिल पे उतरी, उतरे हुजूर नात मेरे दिल पे आपकी, हर रात मेरे घर में यूं ही चांदनी रहे, हर रात मेरे घर में यूं ही चांदनी रहे, हम पर और हासिल कलाम शेर मसरूर कैफी का, हम आजिज़ों की ओर कोई हम आजिज़ों की ओर कोई आरज़ू नहीं, हम पे निगाह लुत्फ सदा आपकी रहे, हम पर निगाह लुत्फ सदा आपकी रहे, और विर्दे ज़बानात की अशआर रात दे, विर्दे बाहुनात के अश्वार रात दे, ये महफिल निशा हमेशा सजी रहे, हम पर निगाह लुत्फ सदा आपकी रहे, जैसे बनी हुई है हमारी बनी रहे। इस वक्त जो सबकी कैफियत है मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं है, बेटा इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ा दीजिएगा, जज़ाकल्ला। रेहान भाई इस वक्त वहाँ कब्रिस्तान में मौजूद हैं। रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। रेहान भाई भाई को कराए सुपुर्द खाक? जी भाई आप ही अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से तस्कीन हो चुकी है अंदर साहब की,
और जनाजे में जो हुजूम था वो नाकाबिले बयान है, इतना जमने गफील था। बेटा बढ़ाना क्या कह रहे हैं लेवल, जरा दोबारा बताइए कर रहे हैं हमें। मैं कह रहा था कि अमजद साहबी साहब शहीद के जनाजे में जो जमे गफीर था वो नाकाबिले बयान है, बेशक। और इतना हुजूम था कि मैंने कराची की तारीख में इतना बड़ा जनाजा आज से पहले नहीं देखा माशा। और उसके बाद फिर कब्रिस्तान तक जाने का मरहला रहा, और उसके बाद फिर कब्रिस्तान में जिसे कहते हैं तिल धरने की जगह नहीं है, तस्फीन हुए भी आधे घंटे के करीब हो चुका है, लेकिन अब भी इतना रश है कि आपका उनकी खबर तक पहुंचना नामुमकिन है। और कई आंखें अश्कबार अमजद साहबी के चाहने वालों का हुजूम रश लगा हुआ है, और रश का आलम यह है कि लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह शहद की मक्खियां एक दूसरे के साथ चिपकी होती है ना, इस तरह अमजद साहबी की खबर के इसके आशिकों का हुजूम है। और कई आंख अश्कबार मैंने देखी, और कई लोग जो है वो गले मिलके मुझे मुबारकबाद दे रहे थे कि अमजद भाई शहीद हो गए, अमजद भाई कामयाब हो गए, अमजद भाई अपनी जिंदगी की बाजी को जीत गए। किस शान से गया है हमारा भाई रिहान भाई। जी जी बेशक बेशक, रश आ रहा है अमजद साबरी साहब की किस्मत पर, और बस दिल चाह रहा था कि काश अमजद साबरी की जगह मैं होता और मुझे ये शरफ और एजाज मुझे नसीब हो जाता। अल्लाह अल्लाह ही आमीन, हम सबको मालिक ऐसी ही शहादत नसीब हो। मेरा भाई तो बहुत नेक था, पता नहीं। रिहान भाई आप लोग कब तक पहुंचेंगे? हम लोग बस हम यहाँ से निकल रहे हैं थोड़ी देर में, क्योंकि तस्फीन वगैरह सब हो चुकी है। तस्फीन कहाँ हुई है, कौन से कब्रिस्तान में? ये पापोस के कब्रिस्तान है जहाँ इनके वालिद साहब का मजार है ना। अच्छा, उनके साथ ही उनके पहलू में उनको दफन किया गया। चाहिए मेरा भाई आपको सुपुर्दे खाक अल्लाह की अमान, आपके दर्जात बुलंद फरमाए परवरदिगार। रिहान भाई आप लोग खैर आफियत के साथ, आप हसन भाई हैं आपके पास? हसन भाई मिले थे, वो शायद वो निकल गए, निकल गए। आप भी बस निकलिए, खैर आफियत के साथ पहुंचिए, अल्लाह की अमान। और मैं सब देखने वालों सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि आज हमें खूब खूब साले सवाब मैसेजेस करें, ताकि हम इफ्तार के बाद इंशाल्लाह अमजद साबिर साहब को बहुत ज्यादा कुरान पाक, सूरह इखलास, सूरह फातिहा, दुरूद शरीफ जो कुछ आप पेश करेंगे इंशाल्लाह हम सब उनको सवाब पहुंचाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह खैरियत से पहुंचिए। हम यहाँ पर खोते साथ जो जो आप लोग पढ़ सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि कुरान खानी एक तो कंप्लीट हो सके, यहाँ से पारे आ जाएंगे, तो जो जो पढ़ सके प्लीज वो पढ़िएगा। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, कल रहमानी भाई, भाभी, तबिंदा आपा, तमाम लोग मौजूद हैं। इनके तो आशिक हो गए थे कि भाई मैं तो आपका आशिक हो गया हूँ। पता नहीं इतना मीठा बोलते हो तुम, इतना मीठा बोलते हो कि सुनने का दिल चाहता है, दिल जीत लेते हो। और इन चंद एपिसोड्स में ही इतनी मोहब्बत हो गई रहमानी भाई से कि वही मोहब्बत लेके अब चलेंगे हम सारी जिंदगी, है रहमानी भाई। एक बात तो अर्ज करना चाहूंगा कि आशिक मुस्तफ़ा कभी मरता नहीं है, उसको कोई ये ना समझे कि आशिक मर गया। मैं कुरान से दलील दूंगा कि अमजद भाई मुंतकिल हो गए, है जिंदा, है जिंदा। कैसे जिंदा है, थोड़ा सा तवील तलब फिर आपका जवाब दूंगा, ताकि हमें भी तसल्ली हो, दिल को सुकून मिले कि वो अच्छी जगह चला गया है। और फिर आपने जो बात की उसको वाज़ेह करूंगा। अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने सूरह आराफ में अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, हम सब की अरवा वहाँ मौजूद थी, हम सब की अरवा वहाँ मौजूद थी, और अल्लाह ने कहा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो हम सब ने कहा कालू बला, हाँ तू हमारा रब है, तो हम सब की रूहें वहाँ मौजूद थी। अब आप सबसे सवाल है कि आलम अरवा में जब हमारी रूहें मौजूद थी हम जिंदा थे या मुर्दा, जब हम अल्लाह को जवाब दे रहे थे जिंदा थे या मुर्दा? जिंदा थे ना, जिंदा थे, जिंदा थे। आलम अरवा से आलम नासूत दुनिया में आए और दुनिया में नाते पढ़ता रहा, जिंदा या मुर्दा? नाते पढ़ते रहे, जिंदा, जिंदा, जिंदा। आलम बरजख में चले गए, कब्र में, और कब्र में सवाल होता है मा कुंता तकूलु फी हाज़र रुजुल, जैसी बंदा कब्र में जाता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम का दीदार होता है, और फरिश्ते पूछते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस, कोई मुतनाज़े हदीस नहीं, बुखारी शरीफ, मा कुंता तकूलु फी हाज़र रुजुल, बता ये कौन है? आका अलैहिस्सलाम को देखकर जो पुकार उठे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मेरा यकीन ये कहता है कि जब अमजद भाई कब्र में गए होंगे आका अलैहिस्सलाम आए होंगे और फरिश्ते ने पूछा है वो कौन है,
उन्होंने कहा होगा ताजदारे हरम वो निगाहे कर, कहा होगा भर दो जोली मेरी या मोहम्मद, नूर को देख के खड़ो के कहा होगा मुस्तफा जाने रहमत बला को सलाम। और जो बुखारी शरीफ के मुताबिक जो शख्स हुजूर को पहचान ले, मारिफत कर ले, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है निदाए गैब से, मुबारक हो मुबारक हो।